मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी तासिका में आपका स्वागत। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो समय के सदुपयोग पर आधारित है। समय बड़ी अनमोल वस्तु है। खोए हुए धन को फिर से प्राप्त किया जा सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के बराबर है। हमें समय का महत्व समझकर उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करना चाहिए। सही समय पर सही काम करने में ही बुद्धिमानी है। जो भी काम हम पूरी लगन और मेहनत से करते हैं, हमें उसका फल जरूर मिलता है। कहते हैं, जीवन में सफलता के फूल श्रम के पौधे पर ही खिलते हैं। जी हाँ, अगर सफल बनना है तो बुद्धिमानी के साथ उपलब्ध साधनों का भी सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय का सदुपयोग और श्रम का महत्व, इन मूल्यों पर आधारित एक संवादात्मक कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है वारिस कौन। वारिस का अर्थ क्या है? वारिस का अर्थ है उत्तराधिकारी। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, जब वे बूढ़े हो जाते या फिर उनकी मृत्यु हो जाती, तो उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालता था? उनका राजपाट उनके ही परिवार का सदस्य, मतलब उनका बेटा या उनकी बेटी संभालते थे। राजा के बाद उनके परिवार का जो सदस्य उनका राजपाट या राजगद्दी संभालते हैं, उसे ही वारिस कहते हैं। समझ में आया वारिस का मतलब क्या है? वारिस का अर्थ है उत्तराधिकारी। वारिस कौन इस पाठ की लेखिका है? विभा रानी। सबसे पहले हम उनका परिचय देखते हैं। विभा रानी जी का जन्म 1959 में बिहार के मधुबनी में हुआ। उनका परिचय, बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। चल खुसरो घर अपने और गोनू झा के किस्से, यह उनके कहानी संग्रह है। अगले जन्मों है बीटीएन की जो, यह नाटक। समरथ कैन, यह द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी अनुवाद। बिल टेलर की डायरी आदि आपकी प्रमुख कृतियां हैं। तो चले कहानी की ओर। एक राजा था, उसकी चार बेटियां थी। राजा ने सोचा, इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी, उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे यह वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। देखो बच्चों, राजा की चार बेटियां थी। राजा बार बार यही सोचता कि मेरे बाद मेरे राज्य का शासन कौन चलाएगा। इन चारों में से जो बुद्धिमती होगी, उसे ही राजा अपना राजपाट देना चाहता था। तब वह सोच में पड़ गया और अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने यह तय किया कि मैं इन चारों बेटियों की परीक्षा लूंगा। तब उसने अपने चारों बेटियों को बुलाया और उन्हें गेहूं के 100-100 दाने दे दिए और कहा कि 5 साल बाद तुम इन्हें मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें जब अपने अपने कमरे में लौट गई, तो बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी इन दानों को मांगेंगे, तब इन दानों की उन्हें याद रहेगी क्या, और जो भी याद भी रहा तो क्या हुआ।
भंडार से लेकर दे दूंगी। देखो बड़ी बहन क्या सोचती है, 5 साल बाद पिताजी ये दाने मांगने वाले हैं, तब तक उन्हें इन दानों की याद रहेगी क्या, और मैं कहाँ तक इसे संभाल कर रखूंगी। और इसलिए उसने इन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया, और जब भी पिताजी मांगेंगे तब वह भंडार से उन्हें लाकर दे देने वाली थी। भंडार, भंडार का अर्थ है अनाज रखने की जगह या गोदाम। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। संदूकची, संदूकची का अर्थ है छोटा संदूक या छोटी पेटी। देखो दूसरी बहन ने उन दानों को संभाल कर रखना चाहा, 5 साल बाद पिताजी मांगने वाले हैं और इसीलिए मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी, यह सोचकर उसने उसे मखमल के थैले में बंद किया और छोटे संदूकची में रख दिया। तीसरी बहन बस सोचती ही रही कि मैं इसका क्या करूं, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दानों का मैं क्या करूं। चौथी बहन जो थी वो तनिक बच्ची थी, तनिक का अर्थ है थोड़ा। छोटी बहन सबसे छोटी थी, शरारती थी, चंचल थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के दाने भी बहुत पसंद थे। उसने उन दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। देखो पहली बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया था और जब पिताजी मांगेंगे तब वे वह दानों को भंडार से लाकर देने वाली थी। दूसरी बहन ने उसे सहज कर संभाल कर रखा, उसने चांदी की डिब्बी में मखमल के थैली में बंद करके संदूकची में डाल दिया। तीसरी बहन सिर्फ सोचती ही रही, और चौथी बहन बहुत ही शरारती थी, उसने उन दानों को भुनवा कर खा डाला। तीसरी राजकुमारी को यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद, मकसद का अर्थ है उद्देश्य या इरादा। पहले तो उसने दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती ही रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, उसमें से दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। देखो तीसरी बहन सिर्फ सोचती रही, और सोचने पर उसने तय किया कि इन गेहूं के दानों को मैं जमीन में बो दूंगी। और इस तरह उसने खिड़की के पीछे वाले जमीन में उन दानों को बो दिया। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, उसमें से दाने निकले, और फिर उसने वह दाने फिर से बोकर 5 वर्ष में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। देखो उसने पहले ही तय किया था, जब पिताजी दाने मांगेंगे तब मैं भंडार घर जाऊंगी और वहां से दाने लेकर उन्हें दे दूंगी, और उसने वैसा ही किया। वह भंडार घर चली गई, गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, फिर राजा ने कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। कड़क कर, कड़क कर का अर्थ है जोर से। बच्चों कठिन शब्द के अर्थ मैं फिर से दोहराती हूँ। राजपाट, राजपाट का अर्थ है राज्य का शासन। संदूकची, संदूकची का अर्थ है छोटा संदूक। तनिक, तनिक का अर्थ है थोड़ा। मकसद, मकसद का अर्थ है उद्देश्य। सहेजकर, सहेजकर का अर्थ है संभाल कर। बच्चों कहानी का शेष भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।